कांकेर जिला के अंतागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम कलगांव में 13 बछर के नाबालिग 8 तारीख के सौज भर संझा के बेरा घर ले निकले रहे से, जिन देर रात तक घर नहीं पहुंची, जेकर बाद परिजन मन घबराहट में आसपास खोजबीन करीन, फिर कहूं भी पता नहीं चल पाई। लगातार दूसर दिन घलो घर वाला मन पता साझी करीन, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाई। जेकर बाद घर वाला मन थाना पहुंच के गुमशुदगी के रिपोर्ट दर्ज कराइन। 10 तारीख के बिहनिया नोनी ह खुद ले घर पहुंचीस, तब माता पिता नोनी ला संग लेके थाना पहुंचीस। थाना मा महिला विवेचक द्वारा नोनी ले पूछताछ करी गई। पूछताछ में पता चलीस कि ग्राम कलगांव के ही आरोपी है नोनी ला बहला फुसला के झोपड़ी में ले गए रहिस है और पीड़िता संग दुष्कर्म करे है, जेकर बाद पास्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर पुलिस आरोपी ला गिरफ्तार कर रिमांड में जेल भेज दिए। इसमें दिनांक 9/6/19 को प्रार्थी थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराए कि उसकी नाबालिग बेटी विगत रात्रि 8 तारीख को शाम 7 बजे शौच के लिए निकली थी और उसके बाद घर वापस नहीं आई, जिस पर उसके पता तलाश के बाद भी न पता चलने पर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया गया। क्योंकि बालिका नाबालिग थी, 28/363 अपहरण का प्रकरण दर्ज कर मामला विवेचना में लिया गया। दिनांक 10 तारीख को बालिका स्वयं से अपने घर आ गई। माता पिता उसको साथ लाकर थाना लाए, जिसमें बालिका की दस्तियाबी थाना में की गई। जब महिला विवेचक के द्वारा बालिका से पूछताछ किया गया तो इसमें ज्ञात हुआ कि उनके गांव का ही एक लड़का विनेश मंडावी उसको बहला फुसला कर ले गया था और उसके साथ दैहिक शोषण किया। बाद कल दिनांक 11 तारीख को विनेश मंडावी की गिरफ्तारी उसके घर से कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।